हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे बात करने के लिए जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, वो आप उसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक कहता है मॉस्किटो फिश टू कंट्रोल डेंगू इन यूपी। उत्तर प्रदेश में डेंगू को मॉस्किटो फिश से अब कंट्रोल किए जाने की बात हो रही है। आई होप आप सभी ने एक नाम जरूर सुना होगा, कैट फिश। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ फिश। इट इज नोन एज कैट फिश। देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन टू इट व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैट फिश। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से इस फिश को कैट फिश के नाम से जाना जाता है। वो रीजन क्या है? अगर हम इस मछली को देखें तो इस मछली के चेहरे के ऊपर मूछें, विस्कर्स जैसी जो है वो बनी होती है। जैसे बिल्ली के चेहरे पे विस्कर्स होते हैं, मूछें होती हैं, वैसी सी ही विस्कर्स जो है वो इस मछली के चेहरे पर भी होती हैं। इस कारण से इसको कैट फिश कहा जाता है। ऐसी ही एक और प्रजाति है मछलियों की जिसको मॉस्किटो मछली कहा जाता है। बिफोर यू स्टार्ट गेसिंग एनीथिंग अबाउट इट, भैया ये मच्छर की तरह उड़ती भी नहीं है और ना ही मच्छर की तरह काटती है, फिर भी इसको मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है। शायद आप में से किसी ने इसके बारे में सुना होगा, आप इसके बारे में जानते हो। इसको मॉस्किटो फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मच्छर को पनपने से रोकती है। कैसे? मच्छर के, मॉस्किटो के लार्वा को खा करके। और इसकी इसी स्पेशलिटी के कारण अब इसको उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में डेंगू से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिन पहले एक वीडियो लेक्चर मैंने आपके साथ में शेयर किया था जिसमें हमने बात करी थी कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में डेंगू का एक बड़ा आउटब्रेक जो है वो देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में काफी सारे डेंगू के मामले जो है वो सामने आए हैं जिसमें काफी सारी डेथ्स भी रिपोर्ट की गई है। तो डेंगू जो है वो उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इस समय जो है वो फैला हुआ है और लोग जो है वो निरंतर डेंगू की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसी समस्या से लड़ने के लिए, इस समस्या के हल के रूप में अब इस मॉस्किटो फिश का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर हम विस्तार में समझेंगे क्या होती है मॉस्किटो फिश, कैसे ये काम करती है और कैसे डेंगू के रोकथाम में ये एक अहम भूमिका जो है वो निभाने वाली है। दोस्तों, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आईएएस के प्रेपरेशन के लिए हमारा बेहतरीन स्मार्ट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ में बेहतरीन बनाइए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो सभी कोर्सेज, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे स्पेशलाइज्ड स्मार्ट कोर्सेज का लाभ जरूर उठाइएगा। बेहतरीन तरीके से आप हर एक एग्जाम की तैयारी उत्तर प्रदेश के अंदर कर पाएंगे। तो भैया, न्यूज आर्टिकल है, देयर वाज अ न्यूज आर्टिकल व्हिच टेल्स डेंगू आउटब्रेक, फिरोजाबाद एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज गंबुजिया फिश दैट वुड ईट मॉस्किटो लार्वा इन पॉन्ड्स। मच्छरों के लार्वा को पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर ही जाकर के खा जाएगी ये गंबुजिया मछली जिसको मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश में काफी सारे डेंगू के केस पिछले कुछ दिनों में आ रहे थे, निरंतर लोग इससे बीमार पड़ रहे थे। समस्या बहुत सीरियस थी क्योंकि डेथ्स काफी ज्यादा रिपोर्ट हुई थी। इस समस्या का हल, जिसको हम कहते हैं कि समस्या के जड़ तक जाना, समस्या के जड़ में क्या था, जैसे ही अगस्त सितंबर का समय आता है हिंदुस्तान में, खासकर नॉर्थ इंडिया में बरसात का मानसून सीजन रहता है और बरसात के समय में जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है और इस पानी में और तालाबों में जहां पे पानी स्टेग्नेंट है, खड़ा हुआ पानी रहता है, वहां पर मच्छर जो है वो बहुत जल्दी पनपना शुरू कर देते हैं और यही मच्छर वहां पे ब्रीड करते हैं, वहां पर ये इनके लार्वा जो है वो ग्रो करते हैं और फाइनली फिर ये डेंगू मच्छर बन करके लोगों को परेशान करते हैं और लोगों के अंदर ये बीमारी जो है वो फैलाते हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक मछली की प्रजाति पाई जाती है जो तालाब के अंदर जाकर के वो लार्वा को ही खा जाती है, यानी कि जिसको कहते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जहां पर इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, जहां पर ये पनप रहे थे, जहां पर ये पैदा हो रहे थे, वहां पर हम इस गंबुजिया मछली को छोड़ेंगे और ये मछली जो है वो पूरा का पूरा लार्वा खा जाएगी। डेंगू मच्छर के लिए मच्छर जो है वो शायद बचेगा ही नहीं, ये है पूरा का पूरा प्लान। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बैटलिंग अ डेडली आउटब्रेक ऑफ डेंगू एंड वायरल फीवर दैट हैज क्लेम्ड 51 लाइफ सो फार इन फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट,
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में करीब 51 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सरकार जो है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है और इससे लड़ने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला है। 25,000 मॉस्किटो फिश, जिसको गैम्बुजिया के नाम से जाना जाता है, उस गैम्बुजिया को अब डेंगू ब्रीडिंग मॉस्किटो पॉन्ड्स में जो है छोड़ दिया जाएगा। ऐसे तालाब जहां पे डेंगू पैदा करने वाला मच्छर रहता है वहां पर ये 25,000 मछलियां छोड़ दी जाएंगी और ये मछलियां जो है वो जाकर के उस लार्वा को खाएंगी और डेंगू वाले मच्छरों को बढ़ने से, पैदा होने से रोकेंगी। कुछ इस तरीके की होती है ये गैम्बुजिया मछली। दोस्तों याद रखिएगा, ये मछली जो है वो ऑर्नामेंटल फिश के रूप में हमारे घरों के एक्वेरियम्स में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो अब समझ में आ रहा है, डेंगू जैसी बीमारी से लड़ने में ये आपको मदद करेगी। इसका साइंटिफिक नेम है गैम्बुजिया एफिनिस, लेकिन आसान भाषा में इसको मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है, गैम्बुजिया एफिनिस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का सवाल आ सकता है। गैम्बुजिया एफिनिस वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू गैम्बुजिया एफिनिस, जिसको हाल ही में न्यूज के अंदर देखा गया था, वो किससे संबंध रखती है? तो हमको याद रखना है गैम्बुजिया एफिनिस जो है वो एक प्रकार की मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है और डेंगू जैसी बीमारियों को फैलने से रोकती है। इस गैम्बुजिया मछली को किसी भी नाले में, पॉन्ड में छोड़ दिया जाएगा और वहां पर जितने भी मच्छरों के लार्वा जर्मिनेट हो रहे हैं उन सबको ये खा जाएगी। गैम्बुजिया वुड फिनिश ऑफ लार्वा ओवर 40 टाइम्स इट्स बॉडी वेट इन अ डे। काफी ज्यादा मात्रा में ये लार्वा को खा सकती है। एक मछली अपने शरीर के 40 गुना वजन के लार्वा को एक दिन में खा सकती है, यानी कि कुछ ही समय में हो सकता है पूरे के पूरे लार्वा जर्मिनेशन को ये खत्म कर। ये देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है मॉस्किटो का ये लार्वा, जो कि मच्छर बड़ा होकर के मच्छर बनता है और तालाब के अंदर पनपता हुआ नजर आता है, और यही मच्छर जो है वो आज डेंगू का एक बहुत बड़ा कैरियर बना हुआ है। हमने एक लेक्चर इससे पहले बात करी थी, उसमें हमने किस तरीके से डेंगू जो है वो फैलता है, और ये मच्छर जो है वो एक कैरियर के रूप में एक्ट करता है और काफी सारे लोगों की लाइफ जो है पिछले कुछ दिनों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में इस बीमारी ने क्लेम करी। गैम्बुजिया मछली जो है इज इफेक्टिव इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स वेयर देयर इज अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर डेंगू कॉजिंग मॉस्किटोज टू ले एग्स। ऐसे मच्छर जो डेंगू पैदा कर सकते हैं और ये तालाबों में और अन्य जलाशयों में अपने एग्स ले करते हैं, वहां पर गैम्बुजिया मछली जो है वो बहुत कारगर साबित होती है। करीब 100 लार्वा एक दिन में खाएगी और इस बीमारी को फैलने से रोकेगी। ये जो बीमारी से लड़ने की एक नई टेक्निक है, एक बायो टेक्निक इसको हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जीवित प्राणी का इस्तेमाल करके, जीवित मछली का इस्तेमाल करके हम बीमारी से जूझ रहे थे, तो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस टेक्निक हैज बीन इफेक्टिव इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बरेली एंड बदायूं। तो बरेली और बदायूं जैसे जिलों में पहले ये तकनीक काफी कारगर साबित हो चुकी है और अब इसी तकनीक का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी किया जा रहा है। दीज फिशेज आर सेल्फ परपेचुएटिंग आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट एंड कंटिन्यू टू रिड्यूस मास मॉस्किटो लार्वा फॉर लॉन्ग टाइम। एक बार अगर इसकी स्थापना कर दी जाए किसी पॉन्ड में, इसको जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, उसके बाद ये खुद ही अपने आप को परपेचुएट करती रहेंगी और लंबे समय तक उस तालाब में कम से कम मच्छरों का जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। द कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लार्वी वोरस फिश इज रिलेटिवली लोअर देन दैट ऑफ केमिकल कंट्रोल। मच्छरों से बचने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, स्प्रेज आते हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट जो है वो एसोसिएट रहती है। वेयर एज जब बात आती है ऐसी टेक्निक की, तो बहुत ही कम कॉस्टिंग वाला है। भैया मछली लेनी है, मछली को तालाब में छोड़ना है एंड डन। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करेगी वो ये मछली ही करेगी। ये इस मछली का इस्तेमाल जो है वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हम लोग स्प्रे करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, मगर इस मछली के प्रयोग से बिल्कुल पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। लार्वी वोरस शब्द का अर्थ है लार्वा को खाने वाली। लार्वी वोरस फिश गैम्बुजिया प्रेफर शेलो वॉटर्स। उथले पानी में ये ज्यादा मिलती है क्योंकि उथले पानी में ही ये मच्छर का लार्वा जो है वो जर्मिनेट करता है। तो गैम्बुजिया फिश जो है एक बहुत ही कारगर तरीका साबित होने वाला है, जिससे कि डेंगू से काफी हद तक बचने में मदद मिलेगी। गैम्बुजिया की तरह ही एक और गप्पी फिश भी होती है, गप्पी फिश। तो ये भी जो है वो लार्वी वोरस है, यानी कि लार्वा के ऊपर ये जो है लार्वा को खा करके जिंदा रह सकती है। पहली दफा 1910 में भारत में इसको लाया गया था। इट इज इजी टू केयर फॉर एंड इट रिप्रोड्यूसेस क्विकली एंड प्रोलीफिकली।
क्या होता है दोस्तों, ये जो गपी फिश है ये बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि बहुत कम समय में इनकी इसका नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 1910 में पहली दफा हिंदुस्तान में ये लाई गई थी, और ये मछली जो है इसको बहुत बड़े पैमाने पर एक लार्वी वोरस फिश के रूप में लोगों में वितरित किया गया है। अगेन पर्पस सेम है, गैम्बूजिया हो या गपी हो, ये दोनों प्रकार की फिशेज जो है वो मच्छरों के लार्वा को खा करके मच्छरों को पनपने से रोकती है, और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकने में एक अहम भूमिका जो है वो निभाती है। आई होप दोस्तों हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। गैम्बूजिया फिश के बारे में बात करी गई थी, क्योंकि ये गैम्बूजिया फिश जो है उत्तर प्रदेश में मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करने वाली है। दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। इसी के साथ में हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज पर 9 सितंबर तक आपको शानदार डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो इन डिस्काउंट ऑफर्स का डेफिनेटली लाभ उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।